आइए आज 3 जुलाई को याद करें विरक्त संत स्वामी राम सुखदास जी को। धर्म प्राण भारत में एक से एक बढ़कर विरक्त संत महात्माओं ने जन्म लिया है। ऐसे ही संतों में शिरोमणि थे परम वीतरागी स्वामी राम सुखदास जी महाराज। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। स्वामी जी के जन्म की तिथि का ठीक से पता नहीं लगता, क्योंकि इस बारे में उन्होंने कभी कोई चर्चा नहीं की। फिर भी राजस्थान के बीकानेर जिले के किसी गांव में 1902 में उनका जन्म हुआ था, ऐसा कहा जाता है। उनका बचपन का नाम क्या था यह भी किसी को पता नहीं, पर इतना सत्य है कि जिस अवस्था में अन्य बच्चे खेल कूद और खाने पीने में लगे रहते, उस समय वे एकांत में बैठकर साधना करना पसंद करते थे। बीकानेर में ही उनका संपर्क श्री गंभीर चंद दुजारी से हुआ। दुजारी जी भाई हनुमान प्रसाद पौधार एवं सेठ जयदयाल गोयंदका जी के आध्यात्मिक विचारों से बहुत प्रभावित थे। इस प्रकार राम सुखदास जी भी इन महानुभावों के संपर्क में आ गए। जब इन महानुभावों ने गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना की तो राम सुखदास जी भी उनके साथ इस काम में लग गए। धर्म एवं संस्कृति प्रधान पत्रिका कल्याण का उन्होंने काफी समय तक संपादन भी किया। इस दौरान स्वामी राम सुखदास जी ने अनेक आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना भी की। धीरे धीरे पूरे भारत में उनका एक विशिष्ट स्थान बन गया। आगे चलकर भक्तों के आग्रह पर स्वामी जी ने पूरे देश का भ्रमण कर गीता पर प्रवचन देने प्रारंभ किए। वे अपने प्रवचनों में कहते थे कि भारत की पहचान गाय, गंगा, गीता, गोपाल तथा गायत्री से है। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जब जब शासन ने हिंदू कोड बिल और धर्म निरपेक्षता की आड़ में हिंदू धर्म पर चोट करने का प्रयास किया तो राम सुखदास जी ने डटकर शासन की दुर्नीति का विरोध किया। स्वामी जी की कथनी और करनी में कोई भेद नहीं था। संत जीवन स्वीकार करने के बाद उन्होंने जीवन भर पैसे तथा स्त्री का स्पर्श नहीं किया, यहाँ तक कि अपना फोटो भी उन्होंने कभी नहीं खींचने दिया। उनके दूरदर्शन पर आने वाले प्रवचनों में केवल उनका स्वर ही सुनाई देता था, पर चित्र दिखाई नहीं देता था। स्वामी जी ने अपनी कथाओं में कभी भी पैसे नहीं चढ़ने दिए। उनका कोई बैंक खाता भी नहीं था। उन्होंने अपने लिए आश्रम तो दूर एक कमरा तक नहीं बनाया। उन्होंने किसी पुरुष या महिला को अपना शिष्य भी नहीं बनाया। यदि कोई उनसे शिष्य बना लेने की प्रार्थना करता तो वे कृष्णम वंदे जगत गुरु कहकर उसे टाल देते। 3 जुलाई 2005 को ऋषिकेश में 103 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। उनकी इच्छानुसार देहावसान के बाद गंगा तट पर 2 चिताएं बनाई गई, एक में उनके शरीर का तथा दूसरी पर उनके वस्त्र, माला, पूजा सामग्री आदि का दाह संस्कार हुआ। इस प्रकार परम वीतरागी संत स्वामी राम सुखदास जी ने देहांत के बाद भी अपना कोई चिन्ह शेष नहीं छोड़ा जिससे उनका कोई स्मारक न बना सके। चिताओं की अग्नि शांत होने पर अचानक गंगा की एक विशाल लहर आई और वह समस्त अवशेषों को अपने साथ बहा कर ले गई। इस प्रकार माँ गंगा ने अपने प्रेमी पुत्र को बाहों में समेट लिया। भारत माता की जय।